हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग और बताइए कैसे हैं आप सब आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं बाहर गेट पर खड़ी हुई हूँ और कितना घना और एकदम कोहरा है बहुत ही जो है कोहरा है और अभी सात बज रहे हैं और सात बजे भी सच में इतना कोहरा है और ठंडी भी बहुत ज़्यादा है और अब यहाँ पर लगभग सवा नौ का टाइम हो गया है और यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में मैं रख रही हूँ कुकर में आलू बॉयल होने के लिए आज असल में क्या हुआ मैं जो है आज बनाने वाली थी सरसों का साग बट क्या हुआ था मैं नाइट में कल इतनी थक गई थी तो मैंने साग जो है धुलकर नहीं रखा था नाइट में क्योंकि पहले साफ़ करना पड़ता फिर मैं धुलकर रखती तो मेरी जो है सच में कमर में इतना दर्द हो रहा था कि मैं फिर आलस कर गई तो मैंने धुलकर नहीं रखा सोचा सुबह ही जो है जल्दी उठकर उसको साफ कर कर धुल काट लूँगी उसके बाद फिर धुल लूँगी लेकिन सुबह जो है मैं पाँच बजे मेरी आंख खुल गई थी लेकिन फिर ठंड की वजह से आलस करते करते आधा घंटा ऐसे ही वेस्ट हो गया फिर साढ़े पाँच बजे मैं जाग गई उसके बाद फ्रेश होते होते जो है लगभग पौने छः छः का टाइम हो गया था और फिर मैंने सोचा कि इतना जल्दी जो है साग बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है तो पहले अपना जो झाड़ू पहुँचा है वो निपटा लेते हैं उसके बाद फिर जो है खाना बनाएंगे लेकिन क्या हुआ जैसे ही मैं झाड़ू लगाकर फ्री हुई तो देखा टंकी में बिल्कुल भी पानी नहीं है पानी हो गया था पूरा ख़त्म बाथरूम में जो है एक दो बाल्टी जो भरी रहती हैं बस वही थी तो फिर ना ही तो पहुँचा लग पाया और ना ही फिर जो है मैं जो साग था वो काटी क्योंकि आजकल लाइट बहुत नाटक कर रही है बहुत जो है काफ़ी काफ़ी देर तक चली जाती है तो फिर मैंने सोचा अगर काट के रख लिया और नहीं आई तो फिर साग कैसे धुलूँगी और साग धुलने के लिए जो है काफ़ी पानी की ज़रूरत पड़ती है और पीने का पानी जो है इतना नहीं होता है तो वो पीने के लिए ही चाहिए होता है खाना पीना बनाने के लिए चाहिए होता है तो इस वजह से फिर मैंने साग नहीं काटा मैं वेट करती रही और बैठ कर जो है अपना मोबाइल में एडिटिंग वगैरह करती रही वीडियोज़ वगैरह देखती रही और धीरे धीरे जो है टाइम हो गया बहुत ज़्यादा इसी का इंतज़ार करते करते और ना ही लाइट थी ना ही पानी था तो बस उसी के इंतज़ार में बैठे बैठे हो गया था इतना टाइम और फिर जो है मैंने सोचा कि अब टाइम काफ़ी हो गया है तो मैंने हस्बैंड से पूछा अगर आप दिन में आ जाओ तो फिर मैं दिन में साग बना लूँ तो हस्बैंड ने कहा था नहीं आ जाओ ऑफिस में काम ज़्यादा है दिन में नहीं आ पाऊँगा खाना अब जो है अभी बना दो तो फिर साग इतना जल्दी बन नहीं पाता था और यहाँ पर थोड़ी देर के लिए जो है बीच में लाइट आ गई थी तो बस थोड़ा सा पानी जो है भर गया था और फिर जो है लाइट एकदम से चली गई थी तो इस वजह से फिर मजबूरी में मुझे यहाँ पर जो है आलू बनाने पड़े तो सोचा आलू और मटर तल लेते हैं तो बस उसी के लिए आलू बॉयल होने के लिए रखे हुए हैं और यहाँ पर बच्चे अभी भी घुसे हुए हैं कंबल में क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है बाहर आप देख सकते हैं अभी साढ़े नौ का करीब टाइम हो रहा है फिर भी कितना कोहरा है और आंटी बाहर बैठ कर जो है आग जलाकर जो है ताप रही हैं तो वही उन्होंने मुझे देख लिया था कि मैं वीडियो शूट कर रही हूँ तो एकदम से जो है बोल पड़ी थी तो देख सकते हैं कितना जो है कोहरा है अभी भी तो इसी वजह से जो है जो थोड़े से बर्तन थे वो मैंने धुल दिए थे कि बाई चांस पानी ख़त्म हो गया तो कम से कम बर्तन ज़्यादा इकट्ठे तो नहीं हो पाएंगे वरना फिर दिक्कत हो जाती है और इसी वजह से आप आज जो है आपको किचन में थोड़ा अंधेरा अंधेरा दिख रहा होगा क्योंकि किचन में जो है दो लाइट लगी हुई हैं एक लाइट है वो इन्वर्टर की है और एक लाइट की है तो जो इन्वर्टर से जलती है वो तो जल रही है बट जो लाइट वाली है सिर्फ वो जो है बंद है क्योंकि लाइट है ही नहीं तो यहाँ पर जो आलू थे वो बॉईल हो रहे हैं और यहाँ पर दूध भी मैंने रख दिया है गर्म होने के लिए क्योंकि दूध वाले भैया दूध ले आए थे और इतने में मैं यहाँ आटा गूँध कर रख देती हूँ जिससे कि आटा जो है अच्छे से थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा और उसके बाद फिर जो है ये जो थोड़े से बर्तन हैं वो मैं जल्दी से अरेंज कर देती हूँ तो दो दिन पहले जो है वो भैया मुझे दे गए थे साग बट जो है उसका बनने का नंबर ही नहीं आ पा रहा है कभी कुछ कभी कुछ कभी काम ज़्यादा होता है कभी जो है मैं बना ही नहीं पा रही हूँ आज मेरा पूरा पूरा मन था बनाने का बट नहीं बना पाई इस वजह से फिर जो है मुझे फिर आलू ही तलने पड़े और काफ़ी टाइम हो गया था लाइट को और लाइट सच में डेढ़ से दो बजे करीब आई थी मेरे सारे काम जो है आज ऐसे ही लटके रह गए कोई भी काम जो है मेरा टाइम पर नहीं हो पाया था और यहाँ पर बीच में जो है मम्मी का कॉल आ गया था तो उनसे जो है थोड़ी बातें होती रहीं वीडियो कॉल वगैरह हुई क्योंकि कॉल आती है तो फिर सभी लोग बात करते हैं और फिर वीडियो कॉल भी होती है अभी और बाबू को देखते हैं सब लोग बातें करते हैं तो उसमें जो है थोड़ा टाइम लग गया तो अब यहाँ पर आलू बॉयल हो गए थे तो आलू मैंने निकाल लिए हैं और जल्दी से आलू छील लेते हैं क्योंकि टाइम भी होता जा रहा है हस्बैंड के ऑफिस का और आलू जब तक मैं छीलूँगी तब तक यहाँ पर मैंने रख दी है मटर बॉयल होने के लिए आलूओं के साथ मैंने बॉयल नहीं की है क्योंकि फिर जो है बहुत ज़्यादा वो वॉयल हो जाती है क्योंकि आलूओं में टाइम लगता है और मटर बहुत जल्दी बॉयल हो जाती है तो जब तक आलू छीलेंगे तब तक जो मटर है वो भी बॉईल हो जाएगी तो जल्दी से आलू यहाँ पर छील लिए हैं और ये आलू जो है आ, मैं घर गई थी उससे पहले के हैं तो ये थोड़े से जो है एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट से हो गए हैं तो बस वही वाले मैंने उबाल लिए थे नए वाले अभी रखे हुए हैं और आलू छीलने के बाद मैंने साइड में कर दिए हैं कि थोड़े ठंडे हो जाएँ उसके बाद काटूंगी क्योंकि गरम गरम काटो तो वो अच्छे से एकदम कटते नहीं हैं और तब तक यहाँ पर मैंने प्याज और हरी मिर्च और टमाटर काट लिया है आलू तलने के लिए और टमाटर थोड़ा बड़ा था तो वो आधा मैंने ले लिया है आधा रख दिया है और हम यहाँ पर आलू छोटे छोटे पीसेज में काट लेते हैं तलने के लिए ज़्यादा बड़े बड़े काटो तो फिर वो बीच में जो है फीके से रह जाते हैं तो इस वजह से मैंने थोड़े छोटे छोटे काटे हैं और आलू को बॉईल करते टाइम मैंने थोड़ा नमक भी डाल लिया था जिससे इनमें अंदर थोड़ा नमक का टेस्ट आ जाता है तो अच्छे लगते हैं एकदम जो है फीके फीके से अंदर नहीं निकलते हैं तो आलू काट दिए थे उसके बाद रख दी है यहाँ पर गैस पर कढ़ाई उसमें ऑयल डाल दिया था ऑयल गर्म हो गया है उसके बाद डाल दिया है जीरा और जीरा जैसे चटक गया था उसके बाद फिर हम जो है इसमें अपना जो प्याज हरी मिर्च है वो डाल देते हैं और इसको हम अच्छे से चलाते हुए सोटी कर लेंगे और उसके बाद फिर डालेंगे टमाटर तो वैसे तो साग बनाने का ही मन था लेकिन फिर जब आलू तल लिए थे तो वो भी काफ़ी टेस्टी लगे थे क्योंकि विंटर स्टार्ट हुए काफ़ी टाइम हो गया है बट इस सीज़न में अभी जो है आलू तल कर नहीं खाए थे घर पर भी गई थी तो वहाँ पर भी जो है नहीं बने थे जितने दिन मैं रही तो बहुत ही अच्छे लगे थे और थोड़े मैंने ज़्यादा ही तले थे क्योंकि ये जो है थोड़ा जो है रूखे खाने में ही अच्छे लगते हैं बिना रोटी के तो बहुत ही अच्छे लगे थे एकदम स्पाइस स्पाइसी स्पाइसी बनाए थे मैंने थोड़े से तो यहाँ पर देख सकते हैं प्याज टमाटर और सब चीज़ें अच्छे से पक गई थी उसके बाद मैंने आलू और मटर डाल दी थी उसके बाद डाल दिया था लाल मिर्च पाउडर और साथ में थोड़ा गर्म मसाला बस और कोई मसाला ऐड नहीं किया है और ना ही हल्दी डाली है और उसके बाद यहाँ पर जो प्याज होती है उसमें जो है थोड़ा हरे हरे पत्ते निकल आए थे वो मैंने काट कर डाल दिए थे और उसके बाद डाल दिया है ढेर सारा हरा धनिया और देख सकते हैं हमारे आलू बनकर हो गए हैं तैयार और बहुत ही बढ़िया एकदम बहुत ही टेस्टी बने थे सच में और अब यहाँ पर इतने में बाबू आ गई थी उसे भी काफ़ी अच्छे लगते हैं तो उसने निकलवा लिए थे अपने लिए खाने के लिए ऐसे ही और अभी भी यहीं मेरे पीछे पीछे घूम रहा है आप देख सकते हैं मुझे जो है पकड़ लिया था उसने आकर और टाइम भी हो गया है हस्बैंड जो है ना कर आ गए हैं बस कपड़े पहनना है तो मैं फटाफट से रोटी सेक देती हूँ और इतने में ये, ये जो लाइटर है मेरा पुराना हो गया है तो कभी कभी इतना नखरे करता है कि जलता ही नहीं है कितना ही इसको ठोंको पीटो लेकिन जब तक इसका मन नहीं होता तब तक ये जलता नहीं है तो बस वही थोड़ी दिक्कत हो गई थी उसके बाद गैस जला दिया मैंने तवा रख दिया है और जल्दी से यहाँ हस्बैंड के लिए रोटी सेक देती हूँ क्योंकि उनका टाइम हो गया है थोड़ा ज़्यादा ही हो गया है बट कोई दिक्कत नहीं है अभी थोड़ा विंटर चल रही है तो वो थोड़ा लेट ही जाते हैं साढ़े दस से जो है ग्यारह उन्हें हो जाता है आराम से तो इतने में जो है मैं उनके लिए जल्दी से रोटियां सेक दूंगी कोई दिक्कत नहीं है तो फटाफट से मैं रोटियां उनके लिए चार पांच सेक देती हूँ फिर उनको गर्मा गर्म जो है सर्व कर कर दे दूँगी तो यहाँ पर हस्बैंड के लिए मैंने रोटियाँ सेक दी थी और थाली में जो है आलू निकाल दिए हैं और थोड़ी सी जो हरी मिर्च का अचार था वो रख दिया है जो मैं घर पर बनाया था जो पहले थक का था वो तो ख़त्म हो गया था अभी जो मैं घर पर गई थी तब बनाया था तो वही वाला रखा हुआ है तो वही मैंने रख लिया है तो आप भी गर्मा गर्म जो है लंच कर लीजिए और बहुत ही सच में टेस्टी आलू बने थे तो अब जो बाकी की बची रोटियां हैं वो भी मैं जल्दी से यहाँ पर बना लेती हूँ और रोटियाँ हो गई थी उसके बाद एक अंडे की मैंने अभी के लिए बना दी है ऑमलेट क्योंकि आज के आलू जो है थोड़े स्पाइसी हैं वो नहीं खा पाएगा तो उसके लिए मैंने यहाँ पर अंडे की ऑमलेट बना दी थी तो बस उसकी ऑमलेट बनकर हो गई है तैयार और उसको अब दे देंगे तो बाबू खिला देगी और मैं जब तक अपना जो थोड़ा सा किचन क्लीनिंग है वो कर लूँगी बर्तन वगैरह तो अभी नहीं धुल पाएंगे क्योंकि पानी जो है बहुत ज़्यादा नहीं है और थोड़ा बहुत पानी रहना ज़रूरी है क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं कब क्या ज़रूरत पड़ जाए और अब यहाँ पर जो है लगभग तीन सवा तीन का टाइम हो गया था और लाइट डेढ़ से करीब दो बजे आई थी उसके बाद फिर मैंने बर्तन धुले थे फिर पानी गर्म कर कर जो है मैंने नहाया और बच्चों को नहीं निलाया क्योंकि फिर लेट ज़्यादा हो गया था तो आज बच्चों को नहीं निलाया मैं नहा ली थी और यहाँ पर अब मैं कर रही हूँ अपने दूसरे चैनल के लिए वीडियो बनाने की तैयारी क्योंकि मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप अपना मेकअप हमेशा शेयर कीजिए तो बस उसी की यहाँ पर तैयारी हो रही थी और उसके बाद अब ये जो है शाम का टाइम है लगभग छः सवा छः का टाइम हो रहा है हस्बैंड आ गए हैं ऑफ़िस से तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ अपनी इवनिंग टी तो आज का व्लॉग जो है ऐसे ही शूट कर पाई हूँ क्योंकि कोई भी काम टाइम पर नहीं हो पाया था तो इस वजह से धीरे धीरे जो हल्का फुल्का था वही मैंने शूट किया है क्योंकि दिन में जो है लाइट ही नहीं आई थी तो कोई भी काम जो है नहीं हो पाया था ना ही मैं नहा पाई थी ना ही बर्तन वगैरह धुल पाए थे बर्तन भी जो है मैंने काफ़ी लेट धुले थे जब लाइट आ गई थी तो मैंने सारा पानी भरा और उसके बाद फिर अपने लिए गर्म पानी लगाया जब तक मैंने बर्तन धुले फिर उसके बाद जो है मैं नहाई और बच्चों को नहीं नहलाया था क्योंकि लेट हो गया था तो यहाँ पर जो चाय है वो मैंने रख दी है बनने के लिए उसमें डाल दी है चाय पत्ती चीनी और अदरक और एक इलायची तो चाय हमारी बनकर हो गई है यहाँ पर तैयार तो गर्मा गर्म चाय हम निकाल लेते हैं और बाबू को मैंने दे दिया है दूध गर्म कर 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 तो वो जो है बिस्किट के साथ दूध ले गई है यहाँ पर मैंने अपने और हस्बैंड के लिए निकाल ली है गर्मा गर्म चाय तो आइए आप भी गर्मा गर्म चाय पी लीजिए इस ठंडी में तो और यहाँ पर जो है मैंने थोड़ी सी नमकीन भी ले ली थी मुझसे जो है खाली चाय नहीं पी जाती है तो बस थोड़ी नमकीन ले ली थी तो आइए आप भी चाय पी लीजिए और करते हैं इस लॉक का एंड बाय टेक केयर